गुड फ्राइडे के अवसर पर झारखंड के तमाम गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की गईं। फादर ने प्रभु यीशु के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मसीही विश्वासियों ने यीशु के दुख भोग का वृतांत सुना और क्रूस रास्ता में शामिल हुए। प्रभु यीशु को क्रूस पर टांगा गया, तब क्रूस की श्रापित जगह उनके स्पर्श से पवित्र वेदी बन गया। क्रूस पर श्रापित मौत मुक्ति का चिन्ह बन गया और एक साधारण शुक्रवार पवित्र पुण्य शुक्रवार में परिणत हो गया। गुड फ्राइडे, जिसको हम पवित्र शुक्रवार भी कहते हैं, जिस दिन यीशु ख्रिस्त के सारे संसार के पापों की मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिए, बलि हो गए। इसका मतलब यीशु ख्रिस्त पिता ईश्वर के प्रेम को मानव जाति के लिए जो है उसको व्यक्त करते हैं कि यह मनुष्य के प्रति ईश्वर का अगाध प्रेम को दर्शाता है। क्रूस बलिदान द्वारा संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति मिली, यही क्रूस बलिदान का सत्य है। प्रभु यीशु क्रूस के वेदी पर अपने सत्य पर अडिग रहे। वे ईश्वर के पुत्र हैं और संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए भेजे गए हैं। इसलिए उन्होंने अपने दुश्मनों को श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया। यीशु पर क्रूरता बरतने वालों को उन्होंने क्षमा किया। अपने प्रेम में हमारे पापों का बोझ, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। क्रूस पर प्रभु यीशु का बलिदान ईश्वर की मुक्ति योजना है। इस मुक्ति योजना का फल हम प्रायश्चित व विश्वास के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यीशु के साथ जो कुछ भी हुआ उसे जीवंत नाटक के माध्यम से गुरु फ्राइडे के अवसर पर मसीही विश्वासियों ने प्रभु को याद किया व प्रार्थनाएं की। वहीं प्रभु यीशु के जीवन काल का एक महान सत्य है कि मरने के बाद तीसरे दिन भी वे मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु ने एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईश्वर होकर भी मानव शरीर धारण किया। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक पीड़ा सही और अंत में अपने जीवन की आहुति दी। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठकर पुनरुत्थान प्राप्त कर अपना उद्देश्य पूरा किया। इसलिए ईस्टर के दिन ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और आनंद मनाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त मुर्दों में से जी उठे, कब्र से जी उठे, उसका मतलब जो उनमें विश्वास करता है, सभी को यीशु ख्रिस्त में और यीशु ख्रिस्त के साथ जी उठेंगे। इसीलिए यह हमारे लिए अपूर्व खुशी का समय है। इसलिए हम आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और इस तरह से यीशु ख्रिस्त का क्रूसित होना एक तरह से हमारे लिए जीवन में प्रवेश करना है। पास का शैतान और बुराई की शक्ति से छुटकारा और अनंत जीवन की आशा देता है। मसीही विश्वासियों ने ईस्टर में प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, प्रकाश की प्रतीक को यीशु मसीह की जी उठने पर खुशी का इजहार करते हैं और समाज में फैले बुराई को दूर कर प्रेम और भाईचारा के लिए मिलजुल कर काम करते हैं और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आदिवासी संस्कृति, परंपरा, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े खबरों के अपडेट के लिए
गूगल प्ले स्टोर से ट्रैवल इंडिया टीवी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।